अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क के इस खूबसूरत प्रोग्राम हस्ता खेड़ा हजारा के नाल एक दफा फिर तुसां दी खिदमत में हाजिर हाँ जी। तो इस प्रोग्राम लाइक करने का सुना बड़ी मेहरबानी कि तुसां ऐसा पसंद किया और बड़े दूरों दूरों जो है जी वो कॉल्स आदि सामियां तो बड़े लोगों ने ऐसा पसंद किया, बड़ी मेहरबानी तुसां दी, बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि तुसी प्रोग्राम जो है तुसां दी हौसला अफजाई की वजह दिन ब दिन इंशाला बेहतर होता जी। जी देखने वाले हो तो पता ही है कि यह प्रोग्राम हस्ता खेड़ का हजारा, इसमें साढ़े नाल एक मशहूर शख्सियत शुजात अली शाह जी साहब वो मौजूद रहते हैं। शाह जी असी आगे दे आओ आने बड़ी मेहरबानी अपना टाइम कड़ा है पहले तो मेरी तरफों भी सारे नाजरीन को सलाम। तो डॉक्टर साहब ये गल्लां तो रोज़ ही करते रहते हो हर दफा, पिछली दफा भी शाह जी तो फलाना, तो पिछली दफा जी असं गल की सी कि अच हस्ते हस्ता खेड़ दा हजारा दे एक सैगमेंट आंदा कर सी हस्ता खेड़ दा हजारा दे मजमान जी जी। तो अज तुम सुन अल्लाह भला करे तुसा कि तुस सुन मजमान बुलाएन, तो अज दे मजमान हस्ता खेड़ दा हजारा दे मजमान दा पहला जड़ा प्रोग्राम है। जरा संग दसो तीसी अज दे असा नाल बैठे दिन ये मजमाना तारफ करा लो, कुछ लोगों को भी पता लगे, नाजरीन को भी पता लगे कि हस्ता खेड़ दा हजारा ये नवा सैगमेंट जड़ा मजमान दे नाँ तो शुरू किया है, तो हस्ता खेड़ दा हजारा दे मजमान कौन है? बहुत शुक्रिया शाह। मेहमान जे काजी नासर बख्तियार खान असी काई साहब तुसा बड़ी मेहरबानी तुसा टाइम कड़ा है, बहुत बहुत शुक्रिया कि साढ़े इस प्रोग्राम में तुसी हस्ता खेड़ दा हजारा रौनक पहुंची है, बड़ी मेहरबानी काई साहब। मेरे सारे सुननीक भरा ते दसनीक भरा जितने भी हैं मैं उन्होंने सलाम आखना, तो सुने सदारे की मेहरबानी कि तुसा मौका दिता इतने अज अपने लोगों में बह के मजीद खुशी होंगी है। साढ़ी इनको जबान अपनी है, चैनल अपने, तुसी लोग अपने हो, कलाम अपनी सुन, गलबात अपनी सी, तो अपनी मिट्टी की खुशबू ही अपनी होंगी है, उसका मजा ही एक अपना होंगे इंशाल्लाह। मैं सुना डॉक्टर साहब ये गल तुसा सुनी है, असी भी इनको बोलते रहे हैं, इन्ना सुन असी जेड़े नाजरीन थे वो आखते हैं इन्ना सुन दो लफज आखिर जरा काजी साहब से सुना सक को दे असों को भी आम लोगों को भी पता लगे एक सुननी का आखिया कई किताबों के खालक हो, कई किताबों ने लिखिया ने जी, जिस जी इन्हों की हिंदको की जी किताब है जी छिके बिच फुल, ये बड़ी मशहूर हुई जी, बड़ी पसीराई मिली है सर। उस तो बाद जी इन्हों की एक है ने जी हिंदको लोक कहानियां, तो ये जी हिंदको लोक कहानियां है ये ऐसा जी फरंगे ईरान की तरफ जो है बड़े अवार्ड ऐसा अवार्ड नवाजा गया है। तो इस तो अलावा जी मेरा एबटाबाद ये बच्चों दज्मा ने जी, तो इस तरह हिंदको डिक्शनरी के हवाले इन्हों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो इन्होंने को खुद पूछना यार तो हिंदको डिक्शनरी जी उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो दूसरी ये चीज़ है जी कि इन्हें हिंदको बेच एक मसनवी लिखी है, वो मसनवी जी है जी उसका है जी मदीने की हिजरत, तो जिस 1786 अशार ने। तो इस तरीके जी और जी मैं गल करना जी शाह जी, तुम गल करते हो पे कि यार काई साहब होना बड़े अल्फाज बोले, गल है कि काई साहब होना के अल्फाज ही नहीं, काई साहब होना जो इनको नसाब है साढ़ा साढ़े सूबे पे जो है कोई एक कमेटी बनी जिसमें 20 आदमी तकरीबन शामिल है और उस बेच काई साहब होना भी शामिल है कि जिन्हें कच्ची तो गिन के 12वीं तक हिंदको जो है उसका नसाब बढ़ाया है, तो उस नसाब में सारे जी के तमाम अल्फाज जो है वो हिंदको के अल्फाज उसमें तो दूसरा लफज दिया ही नहीं आता बेच, तो वो काई साहब उन्होंने बड़ी अचीवमेंट उस हवाले भी गल जारी रही जी। असल की खुशकिस्मत ही है कि काई साहब जो है वो अज सा मौजूद है, एक मुख्तसर धारक है जी, ठीक है, यह हो सकता है कई गल इसमें रह गया हो तो वो नाल नाल तुसी शाह जी क्योंकि तुसी इन्हां नाल उठते बहते रहते हो, काई साहब उन्होंने फिर दो ही शायर भी आओ तुसी भी इनको दे बारे में लिखते हो भी, तो तुसी ज्यादा गल तुसी नाल नाल दसते रहो हुण तुसी कामे अपनी अगली गल तुसी करो। डॉक्टर साहब तुसां ये गलत की काजी साहब का तारफ करा लिया, काजी साहब किसी तारफ के मुताज नहीं, जड़े लोग इनको बोलने वाले इनको सुनने वाले इनको पढ़ने वाले या उर्दू भी काजी साहब का ना हजारे की सतह तो जड़ा है मेरा ख्याल है ये नालकियां बिच हरी है कि को पता सी, तो काजी साहब हूँ के लिखते हैं किया लिखते हैं कह जे होंगे हैं ये तो आप नाजरीन तुम फैसला कर सो, जिस ती इन्हें कुछ सुन सा इन्हों जन मजाइया नजमा जिथा तक हैं या मजाइया मुख्तलिफ इलाकों नाल मुख बड़िया पसंद ने और उस असी फरमाइश भी कर सा ता, ते बाकी जड़ियाँ गल्लां डॉक्टर साहब ने कीतियां इन्हां दी अचीवमेंट बहुत ज्यादा और इन्हां सी असां को एक नवी चीज़ जी सी कि कई लफ्ज असां को अज इनको दे नवे मिल सन, कई इनको दी असी मतलब भी इन्हां सी सुन सा इन्हां सुन इतने बड़े आ
आख रहे ना कि अवार्ड मिले दिन सारा कुछ तो असी अपने इस क्राइटेरियन टीवी नैटवर्क के जरिए असदा असल में इस प्रोग्राम का मकसद ही एनको का बदावा है कि किसी तरह असी अपनी एनको जबान को हजारे के कल्चर को अपने लोगों को इसको अगा तक टोर लोगों तक पहुँचावा और उस सिलसिले में हूँ इन्होंने जीडिया गल् हैं जी इन्हों के हवाले कर लोग आप फैसला कर सन कि काजी साहब के लिखते हैं कह जा लिखते हैं तो कह जा बोलते हैं तो काजी साहब हूँ तुस अंदर असी आ गए हाँ ते पहले ते जरा को जेड़े के ना सुनो अपना तुस्ता तारफ करा लिया उस सिलसिले बिच तुसन को कुछ अवार्ड शवार्ड मिले ना संग वो भी जरा दस किनो ते एनको बिच डिक्शनरी बिच जड़ा कंट्रीब्यूशन है बाकी ते ना सुन तफसीली प्रोग्राम करे हां दो एक सवाल सुन कीता है कि सड़ा निसाब इस पे पूरे सूबे तो लोग बुलाए गए 40 फिर उन्हें घटा के 30 फिर आखिरी 20 ते उस पे क्वाट पिशावर डी आई खान और जड़े आने भी जिनको बोलने दी ये सारे लोग के निसाब तो मुराद ही यही कि जो ऐसे लोग असा बनाने उस पर कमाल हो कि उर्दू या इंग्लिश वाले ऐसे लोग नहीं रहा अच्छा बल्कि जी सारी जरूरत है खुद तखलीक करनी असा गुड उसकी ते उससे बेंच मार्क उसके ऐसे लोग असा खुद बनाए उस फिर किताबा लिखनी है चूंकि निसाब आ गया निसाब आया तो उस पर असा ही कमाल की कि इनको दे लिखारी जड़े उसने तादाद मुतयन करवा छोड़िए अच्छा क्योंकि हजारे भी इनको ज्यादा बोलना कि 60% लोग 60% मवाद जड़े उसका वो हजारे लोग 20% पेशावर तो 20% क्वाट अच्छा और इसी तरतीब नाल भी किताबा लिखन होंगे उस पर साढ़े मुनसरे के शहर चूंकि तीन चार जीयां में अजमल और साढ़े दोस्त अजमल नजीर ये असी लोगों को लिखवाने हैं तो अगर पहुँचाते भी हैं अच्छा। यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ना साढ़ा डायरेक्ट ठेका या जो कुछ करने असी करनी बहरहाल उस पर एक गोशी की गई है कि बच्चे की सतह तो नाल अदबी जबान ही हो क्यों लोग इस पहले तो अनुकू बस एक मजाक की जबान ही समझते संजीदगी कि नहीं जुड़ता जबकि इतनी वसी जबान है डॉक्टर साहब अंग्रेजी से आने बड़ी वसी जबान है अरबी बड़ी वसी जबान है तुसी यकीन करो कि वह दाते जुलते हैं तो फिर आते हैं दाते एक अंग्रेजी बहुत वसी जबान है 20 तो जुलती है फिर 21 ही आती है इनको एक ऐसी अजीम जबान है कि 100 तो जुलती है तो आती है 101 एक कदम ही आती दाते 11, 12, 13 जबरदस्त 99, 98, 97 यानी इतनी वसत है इस पर एक ही दादे रहे तुम ना किनो ये अरबी को किसी सूरत कर नहीं सी जबान अरबी आते ना किन दिन तो पता लग वा के हम भी तुम कद आखना बरगा बैड़ है बस तुम समझ सो चिट्टा का लिया तो उसकी की उम्र है यानी इस तरह तुम कोई शायद भी किनो इनको बेच हर वास्ते एक लफ्ज मौजूद है पूरा बहुत वसी जबान है इसकी वसत इतनी है कि जेर जबर तो फर्क पा छोड़ तो इसकी उस ख्याल दूसरा लुगत का सवाल किया अच्छा इसकी लुगत वास्ते एक अमेरिकन आया इस पहले दो लुगत आ चुकी हैं पहले सुल्तान सुकून साहब लिखी है अल्लाह पाक बायात उन्हें सेहत देवे लेकिन उन्हें जयफ अलमरों उन्हें बड़ी कावश है दुई पिशोर वाले लिखी है इमां बख्श साहब होना डॉक्टर लाई बख्श होना डॉक्टर लाई बख्श उन्हें लिखी है वही मेरे को मौजूद है डिक्शनरी वही बड़ी अच्छी किताब है तो त्री मार्ग रविंद्रसन एक अमेरिकन है अच्छा वो इनको लैंग्वेज प्रोजेक्ट का इंचार्ज है थे विद बीवी सारा सप्लाई भी चवाए दे उन्हें मुख्तलिफ शोबे तो लोग बुलाने अंग्रेज बड़े तेज होने तुम्हें पता है नैट मैथड एक तरीका होता है डिक्शनरी का वो तरीका यह होता है कि मसलन लफज चांगे या नींदर ही चाहे कहने उस लिखे तो असं स्लीप तुम अपनी जबान भी असं क्या आखते हो नींद हो अच्छा ज्यादा सैद सियाणियाँ क्या आखते हो पुठा सियाणियाँ मूंदा होने क्या आखते हो टेढ़ा सियाणियाँ क्या आखते हो उंगलाने क्या आखते हो ज्यादा सैद हर दस सवाल होंगे वो दस के दस सवाल चाहते हैं तो कैसा प्रोग्रामिंग तरतीबार डिक्शनरी बन जुड़ी है ये जो 24,000 लफ्ज जमा किए जिन्हें भी वकील भी उस बुलाए ने वो अपनी चीज़ें दसते जिम्मेदार भी बुलाए ने शहर भी बुलाए उस्ताद भी बुलाए मिस्त्री भी बुलाए तो वह इतनी वसी डिक्शनरी है कि तुस हर लफ्ज उसके मौके की मुनासबत न बस उसका तर्जुमा उस पर मौजूद है बेहतरीन जी बहुत जबरदस्त जी काई साहब तो अज ये गल् चलिया सुन तो बिस्मिल्ला करो कि कोई असा साढ़े जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं ये इंतजार करते पे कि तुम कलाम जो है सामने आवे तो बिस्मिल्ला करो जी कितों शुरू कर रहे हो बिस्मिल्ला करनी डॉक्टर साहब जी तो ये जी आम दे लोग आते हैं जबान जी है वसी जबान इसकी तुम्हें इतला उस चलो कि ये जी आम बिचों सुना सा जिस बिच कि नुकता ही नहीं झोला जबरदस्त उस एक बन तुसा सुनानी अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
दे हाल हवाल उस मालक का, असल कमाल उस मालक का, हर दर्द दारू ए कलमा, दुख दर्द दसाल उस मालक का, अल्लाह 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 ला इलाहा सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। ये पूरी हम दे अच्छा ये सारी नुक्ते बगैर लिखी सारी डॉक्टर साहब देखो ना जी कमाल है बगैर नुक्ते दे अल्फाज पूरे जी साहब उन्होंने भी माशाल्लाह इसमें है कमाल फन है। ते दूसरी गल है कि ये जुबान जी है जिस तरह काई साहब होने दें इस पे जी बड़ी गहराई है बिल्कुल बड़ी वसत है जी काई साहब नाल दसे है ना एक चूंकि इस तो बाद सन पुरान बुझाई है भी लोग आखते हैं रुबाई एक सनफ है जैसे चवी उजान अपनी तो बड़ी मुश्किल लिखनी उर्दू बेच हालांकि शुरा उससे कुछ चीज़ मुश्किल नहीं होती इनको दी सन रुबाई सुनाना तो एक आस बड़ी खास अभी बांधी है इस बड़ी खास अभी बांधी है ये सोच उथे पोच नसीब बांधी सरकार कदे कोल बलाउन नासर फिर ऐश बड़ी मौज गरीब बहुत अच्छे क्या क्या अच्छे रुबाई जो मेरे उस्ताद न्यास स्वाति साहब हूं अच्छा वाले बगल मुगल वाले जारी मुजाहिया शायर मेरा उस्ताद ही मुजाहिया शायर मी मुजाहिया शायर ये चीजें तो आखिर अल्लाह जी दे नाम नाल बरकत की बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत जरूरी है बड़ी जरूरी है हूं तो मैं एक नजम सुनाना एक बजड़ी रानी जनानी काम शाम कोई नहीं करती घर आती वहाँ ऐम ही मार दी ये उस समय सुनाना क्या आखती है जी आखती है तिका मुक्का करता रहा दरो अंदरों उठता रहा एवें गलां चुटता रहा सतले जोगा कुटता रहा कुकड़ जा मजमाना वास्ते आखे आप पकाई माइए शौक नाल में तड़का पाई चैंगुण पाई हरदुल पाइए लुकी जी ये गलती हो कुकड़ पाना याद न रहा गलती हो चूल्हा लाना याद चुटता रहा सतले क्या बात है जी अगे आते है जी रोजे ने मतलब आखे नाले रोजा रखसा सरगी नाल जगाई माइए शौका नाल मचूरी कुटी थिंदा पाया चीनी पाइए लोकी जी ये गलती हो ये नाल जगाना याद ना ये गला चुकता रहा क्या बात है जी क्या बात है आखिरी बात है जी आखे पेके जाई माइए कोई नाल की निका आई माइए शौका नाल पकवान बनाएं खारी पर के कार पहुंचाएं लोकी जी ये गलती हो ये आपे आना याद जने का भी जवाब अथरे जने बजड़ी रहने ये बजड़ी रहने अथरे जवाब संगीओ तुसा सची दसा साड़ी लड़ाई चलदी क्यों है ए मां आखे चलदा क्यों है मैं भी आखा चलदी क्यों है अच्छा आती है जी जस भ्राऊ दे ब्याह होते खरात समझ के खा आया उतो सादा जना आया दवा भी नाल करा जस भ्राऊ दे ब्याह होते खरात समझ के खा आया उतो सादा जना आया दवा भी नाल करा आया इस गलां तो रोला लग गया मैं भी कुटी बाने नाल पानी भरनो सिद्धी कोवे आटा गुनो हल्दी कोवे चलता क्यों क्या बात है आखा चलती क्यों क्या बात है जी अच्छा जी क्या हो कि आटा गुन्ने हल्दी क्यों कोई ना कुछ बाना मतलब ये मंगदा है कोई उस नाल ए हस्ता इनको दा जिया मावरे आटा गुन्ने हल्दी की हैं पता मावरे ते मावरे को इनको बेच के मावरे बेच असी आतन जी इस्तेमाल कर मतलब होते हैं अच्छा उधर बोलने से इस वास्ते मावरे ही होंगे इनको खान हाँ खान खान भी आते सुनो ना डॉक्टर साहब इनको खान है अरे दा हकीकी मानी नहीं किसा जिल्दा मजाजी माना ना मजाजी माना बिल्कुल जिन जो औलादी हैं सिरे ते वाले दिया ना उस सिरा ने जाग सिरे ते वाले दिया हाँ ठीक है ये उस तो ही आवे कि इस आसान उसके दिया उस पेच क्या का गुण हो अल्दी को ही लादमी गाल नहीं लेकिन मजाजी माने आगे मजाजी माना के तो मजाजी माना कुछ बनाना ऐसा उस वजह अच्छा 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 जानते यानी जी आते जी पेजास ब्याह दा सौदा आनो हाँ कीती मिमी ताओले अच्छा है ना
सौदा आनो मीवी तावले सारिया चीजा कहना है पर रह गई बिचों चावले। अच्छा, इस गलां तो रौला लग गया मीवी कुटी बाने नाल ब्याह वे साढ़े पुत्रे दा तू कुड़िया ने कंसल दी कोवे डॉक्टर साहब सुनने का बने मजा आसी आखसा सौ मजा आसी बंद आखना जी साले ने पासी भेजस ना। अच्छा भेजस गल मुकाओ मिसरों ही मुकाया भेजस गल मुकाओ मिसरों ही मुकाया मिसरों ही मुकाया गलियां कड़ियां जिरगे बेच उतों चमी लाया। क्या बात है, इस गलां तो रोला लग गया मिमी कुटी बाने नाल तो दाखिया गल मुकाओ हुण गलां तो टलदी क्यों है ए मां आखे छलदा क्यों है मिमी आखे छलदी क्यों है। क्या बात है जी, आखरी बांधे जी बीमार होया ते आखण लगी आणो तुसी फकी फकी शकी याद नहीं रही नासा कुंजे खसमा नकी इस गला तो रोला लग गया मैं भी कुटी बाने नाल ओ जीना मरना मेरा मसला है तू तो इतनी जल्दी क्यों है आके छड़दा क्यों है मैं भी आखा चलदी क्यों है। क्या बात है जी, क्या बात है जी, डिक्शन देखिए जरा जुबान में और कितनी खूबसूरती और कितनी मिठास है ए पता लगे जी जबरदस्त माशाल्लाह जी काई साहब ते काई साहब दे वाले नाल शाह जी गोरगर भी बड़ी मशहूर है कि ना जिहड़े हुण मुख्तलिफ किस्म दे जे शुअरा ने जिहड़ा अपना कलाम शुरू करदे ने ते काई साहब उहनां दा उस्ताद भी आखिया जांदा ते ए शुअरा दे जो उस्ताद नाज़रीन सुन भी अंदाज़ा ला के दो सी काजी साहब दी गल्लां हो तो ते काजी साहब दी इस नज़्म हो तो ایکو بجڑ رانا دا بھی تے دوہا اتھرے جانے دیاں بھی جیسے تھی دوہاں دے معاملات جی ہیں اور جتنے اچھے پیرائے پہ جنہ بیان کی تینے نا زبردست تے او پورا منظر سامنے آندا ہے اور ایک گل اتھا کامن ہوندی ہے سارے کو ہری جائی تا ہری گرام وچ تساں کو اتھرا جانا بھی مل سی تے بجڑ رانا بھی مل سن اور اتنی سونی تصویر کشی مڑا خیال ہے شاید ہی کچھ کر رکھتا ہوے جتنی قاضی صاحب نے کیتی ہے شاہ جی گالے وے کہ جڑی کتاب ہے نا اے جڑی نظم خاص تو اچھا اے میرے بیاہ تو پہلے دی آئی تھی سارے تجربات میں اندازہ ہے کہ جوں ہوندا ہے اور اسی سچ کو چنجو ہوندا ہے کاجی صاحب تو سی کے سمجھو اسا گیا بیا بات کچھ اسا مت اسا ہے جا کے اثرا جانا دی یا کی بجڑا ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی شہر اندر سے نہیں ہوندے کاجی صاحب نے بڑا پسند آیا جی کلام بڑا زبردست ماشاءاللہ سو لکھیا تے اور جے اسی اس موقع دا فائدہ اٹھانا چاہنے ہیں زیادہ سے زیادہ اسی اپنے کہ تساں دا کلام جڑا او سنا سی تے ہن کوئی ہور دیو جی کوئی بہترین جے انتخاب ہے اے تے ساری کتاب ہی بھری دی ہے اس دا نام ہی چھکے وچ پھول ہے یعنی کہ پھول ہے اور بڑی زبردست ہے واسطے کہہ دے کچھ کرا دے والے نا تے اے لیکن جڑا جڑی سب تو بہترین جڑے ساڈے جڑے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں تاکہ انہاں او اس نال اس تو محسوس ہو قاضی صاحب اس میں ایک فرمائش کرسا ڈاکٹر صاحب تسی اجازت نال ایک فرمائش کرسا او تسی ایک غزل سی مک بڑی چنگی لگی ہے جس وچ اے ہیں ہیں کہ خیں ہیں جس دی ردیف ہوئے اچھا اچھا تے او ذرا سناؤ ڈاکٹر صاحب کو بھی مزہ آسی تے اسے ناظرین ان دی کہے جی بڑی سونی اس وچ خیں خیں ہیں اور ان دے آکھنا دا انداز جڑا ہے نا اچھا اچھا ہاں ہاں او سن سو تے اپ تو سنگ مزہ آسی تے اے اسی ساڈی فرمائش تے ذرا او سنا گے نو ڈاکٹر صاحب اس دا عنوان یہ جانا کہ اصلی والا نا ایک نظم جس عنوان ہے خیں 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 سنے اور نظم غم یا خوشی کوئی بھی ہوے اس کی اکال ہے اخیں خخیں خیں اخیں خخیں چلا جا زمانے دا ہر ویلے کردا رہندا ہے اخیں خخیں خیں سخی او زمانے تے ڈاکٹر صاحب جی جی سچ سنسو سخی او زمانے تے پر ایوی مال بگانے تے آکھے تیری شائے میری پر میری شائے اخیں خخیں خیں زبردست آتے جی ਡਾੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤ ਚੁਲੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰ ਜੁਲੇ ਤੇ ਪੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕਰਦਾ ਪੈ ਉਸਦਾ ਸਰਾਪੇ ਆਤੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਤਰਾ ਪੁਤਰਾ ਕਰਦਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰੇ ਐਹ ਕਰਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚਾਵੇ ਐਹ ਕਿਆ
आखिरी बांदे जी सुने ना, जो कोई देखे नकलां करता है पुछियां छतियां शक्लां करता है, गायां देखी बाबा करता है, बकरी देखे मैं। क्या बात है जी, क्या बात है डॉक्टर साहब। फिर देखे ना एक म्यूजिक और उस भी जो रिदम हर चीज एक असली और कहते डॉक्टर साहब कहते सही गल टुकना दे आते जी सारे सोना सोना आसे उस लमा खरीक कीते मैं आखा इसको तरीका करते आखन लगे ठीक ही है आते जी कदों भी को ठिमना जाया उतों छाती सिफर इंच उस पहले ही छुहारा सा इश्के मार अड़ी कितने क्या बात है जी पहले ही छुहारा सा इश्के मार अड़ी कितने हूँ जी एक दो गजल है जी। अच्छा कई सब दो गजला की शायद जी। अच्छा ये गजल तो पता ही है विशाल। हाँ गजल है कि जिसले शार शेर लिखते हैं मुख्तलिफ़ुल मज़मून जिन्हें बखरे बखरे मज़मून हो। हाँ बिल्कुल जी। वो जिसले शेर उसको सात तो नौ जुलदे दह जुलदे ना तो ग्यारहवें शेर बेचो फिर मतला दोबारा आते उस आते मतला सानी। अच्छा फिर वो और ग्यारह शेर आते हैं ग्यारहवें शेर से फिर मतला सोई आते हैं त्रिया मतला आते हैं और फिर से गजला जुलदे ना तो चूँकि इनको इतनी वसी जुबान है कि मैं इससे डायरेक्ट खान और मितला होते दो गजला आख है जिससे 33 शार हूँ। अच्छा और हर मिसरे भी एक ने मितल है एक ने खान। अच्छा देखो ना जी जी आस्तिया जी कौन लग गया सोन मगजालियाँ कौन लग गया सोन मगजालियाँ शानों का आस्ते थाली शानों का आस्ते थाली बेचा आस्ते चमचे या ते जाग आस्ते प्यालियाँ कौन लग गया सोन मगजालियाँ कौन लग गया मगजालियाँ वाह जी। जिस पीछे बर्बाद की थी असा सारी संगत यारी जिस पीछे बर्बाद की थी असा सारी संगत यारी उस सड़ी फिर रोटी की थी पास के यारो दालियाँ कौन लग गया सोन मगजालियाँ अंदाजा ते तू लाके ना उस अकले दे पड़ोटे दा अकला पड़ोटे सारे उन खान अंदाजा ते तू लाके ना उस अकले दे पड़ोटे दा बह के बेच बिशकारे दे कब ते यूसे डालियां देखे तो हाँ उसे डालिया कब ते आप लोग कहते हैं आप पढ़ी मार कान अपने सलाह के ना किथे पासे बालियां कौन लग गया सोन मगजालियां। अच्छा आता जी डॉक्टर साहब शेर जी तुम कुछ सुनाता लोगे तो मैथ पढ़े दोसी आता माँ ते पी एच डी लगता है असाबे दे मजमूनी बिच। अच्छा माँ ते पी एच डी लगता है असाबे दे मजमूनी बिच उन्नति ते उनचास लिखते ही पुल पुल के उनतालियां वैसे सी सी नक्शकशी की थी जी कहते हो फिर हो एक दफा एक आता है माँ ते पी आई डी लगता है साबे दे मजमूनी बेच उन्नति ती उनचास लिखते ही पुल पुल के उनता दिया लग गया सुन गजा दिया मेरे रबा खैर ही करी मेरे रबा खैर ही करी चले कोल पिस्तौल आए चले कोल पिस्तौल मेरे रबा खैर ही करी चले कोल पिस्तौल आए आता है मैं ते फायरिंग कर सा पीछा मोड़ के ना लिया कहते पीछा मोड़ के ना लिया आता है मैं ते छोड़ो जी क्या चले जाता है पिस्तौल आया क्यों सी कौन लग गया सुन मगजालियां कौन लग गया मगजालियां सा जैसा सी और भी जो लोग पढ़े वो खे पढ़ देना मतलब इलामा अली फरमाया इलामा खाली फरमाया जों दा अरबी कोरस कीता लफ्ज़ कणे कणे पढ़ दे कोरस कीता लफ्ज़ कणे कणे पढ़ दे खलवा पढ़ दे अलविया खाली पढ़ दे आलिया खलवा पढ़ दे अलविया हाँ जी खाली पढ़ दे आलिया जमाना गैंट ते बैठा दे तू ही कुछ तरक्की कर जमाना गैंट ते बैठा दे तू ही कुछ तरक्की कर बस छोड़वांगे ये आलिया तो छोड़वा जाली वालियां कौन लग गया सुन ते जाली वाली अब ये लोका और पुलदे जुलदे सड़े लोग या जाली वाली के साथ है ये आड़ी और जाली वाली दो ही इनको तो खेल हों जाली वाली वो फिर दे हों दे एक मुकाबला हों दे या उस तो बाद वो अपना बैलेंस रखने से खलने पे आना है जरा वो फिर जिला आदमी ज्यादा जाली वाली करे करे तो आसे एंड में खर रही फिर सारे खल जुल दे वो जो काट उस नहीं हों दे वो टैच जुल दे खल जुल दे और जित जुल दे हों दे ये जाली वाली हों दे अंगे यारी हों दे कि दो कना हों दिया एक ही दे यारी मिके दे के पास से जुल दे दुवे दे दुवे पास से ये दोनों वाज मार दे अंगे यारी वो आते हैं जी यारी अली किड़ी जिले अस्तन मिके तो ने सुना किंदा है कदे वो अगले से आ जुले
ना आवे तो आस्ता दोहां कोलों पिछे त्रें कोलों जिन्हें उस नंबरे दे खलार छोड़ दौंदा है लेकिन पूरा जुले तो आस्ता अंगेई आली जी आली आली किली फलाना ना किंदा को जमील को जिस तरह वो आस्ता बज कली थे तो बज कली तो सब पता सी तू सारे ग्राम भी खेलों दे कितना ता याद है वो फिर बज कली का मतलब हां ये फिर चा के सा तो उस पूरे एरिया दा चक्कर लांदे होंदे वो जे चुलदे होंदे वो जेड़े बज कली ते ज्यादा हो जनों जे चुल ओ जे चुल दिया से ते ये उस ता दोहां खेलांदा बे खेड़े जी उस वक्त देखो ना डॉक्टर साहब तुसा बोले गुरु पुला के ना वो दीवारा रही है, ना वो खेड़ रहे ना वो लोग रहे तो ये असल में शाजी पहले भी आते हैं क्रिकेट नेटवर्क और साढ़ा जो प्रोग्राम है इस तरह खेलता था इस तरह साढ़ा ये मिशन भी है कि असल जो है ये जी चीज़ा बोल भुला गए लोग वो भी अपने जो बसनीक दसनीक हैं जी बोले मशवरा चंगी शावे चोरी बिच भी करना चाहिए अच्छा बोले मशवरा चंगी चोरी बिच भी करना चाहिए बागे दे में डाले पिंसा पुछ के आज ते मालियां कौन लग गया सुन आखिरी शेर ए जबरदस्त आए वो नासुर देखना या पगले दा ये दयाला भी बिली बाल के जुलदा रही गोश्ते दी रखवालियां कई साहब ने बड़ी जोरदार सुन सुनाई जी और बड़ा जोरदार है कि कौन लग गया मुंसालियां शान करते थालियां बड़ी मशहूर है ये और बच्चे बच्चे की जुबान होते ते माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ते हुण प्रोग्राम दे वेला सा डायरेक्टर साहब आते हैं तकरीबन नेड़े लग गया ते हुण तुसी जिहड़ा है आखर उते के कोई है कोई जी कोई चीज जिहड़ी चूंकि ऐसे जरा जी सी पढ़नियां ते मनसेरियां जुलनी होनियां ते मनसेरे दा नंबर एमए वे चलिया तू मनसेरे दा तालीमी रेशो पुछना चलिया तू मनसेरे दा तालीमी रेशो पुछना पीली टैक्सी एमए फिर दी कैरी डब्बे कैरी डब्बे एमए कैरी डब्बे एमए क्या बात है जी फिर हो जुले जी हां मनसेरे दे वाले साडे प्राज सारे सुनदे पे जी जी मनसेरे दे अड्डे विचों भूई लबे एमए आगे पीछे एमए फिर दे सजे खबे एमए चलिया तू मनसेरे दा तालीमी रेशो पुछना पीली टैक्सी एमए फिर दी कैरी डब्बे एमए सुनो जी फिर तुसी आते हो मनसेरे भी कैरी डब्बे भी ते पीली टैक्सी भी एमए और ते शाह जी यूनिवर्सिटी बंडे नाल और बड़ी कमाल हो गई है और ते एमए तो गल लग रही हो गई एमफिल पीएचडी पीएचडी हो मनसेरे में बड़ी माशाल्लाह रोशनी फैल गई बड़े जबरदस्त बड़े प्यारे से लेकिन देखो ना जी बड़े मोहब्बत करने वाले मैं 11 12 साल बहुत ही मोहब्बत करने वाले बड़े अच्छे लोग मेरा दाखला उस उर्दू के कहानी में डॉक्टर साहब आते बोलने कई साहब ते बहुत बहुत शुक्रिया ते कई साहब तुसा दी बड़ी मेहरबानी तुसा टाइम कड़े जी आज साडे मेहमान मुजमान बने हो बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी ते उम्मीद है असल दे प्रोग्राम भी तुसी साडे नाल फिर भी शामिल होंदे रहो इंशाल्लाह ते आखर उते जी शाह जी हुण तुसी कोई आपणी कोई गल करदे हो या दंदे तले गिटी रखदे हो गल हुण के जी अज असे मसा सोणा हस्ता खेड़दा हजारा दे मुजमान आंदे इस जो गए के तुसी मैं पिछली दफा भी तुसा गाया तुसी ते शाह जी बैठे गलां करदे रहन लोगन पता लगे के शाह जी ते डॉक्टर साहब सा इथा और लोग जेड़े हैं संजीदा गल करके मौका समय हसना थोड़ी जी हां सुनियो जी ए दुनिया हो गई उता तल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह
रंगो रंगी माल बटीले कादी साहब, रंगो रंगी माल बटीले दुनिया रत्ते सावे कीले, रंगो रंगी माल बटीले दुनिया रत्ते सावे पीले, चिट्टा रेया मेरा पल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह, चिट्टा रेया मेरा पल्ला फेरा को जी, रंगो रंगी माल बटीले दुनिया रत्ते सावे पीले, चिट्टा रेया मेरा पल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह। और लम्मा पेंडा को पनेरा, लम्मा पेंडा को पनेरा दूर सोने यार दा डेरा, लम्मा पेंडा को पनेरा दूर सोने यार दा डेरा, टुरदा जुलदा कल मुकल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह, टुरदा जुलदा कल मुकल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह। और राती राती ए दिल मेरा करदा रेंदे शोर बतेरा, राती राती ए दिल मेरा करदा रेंदे शोर बतेरा, देड़ी होंदे चंगा पल्ला राती राती ए दिल मेरा करदा रेंदे शोर बतेरा, देड़ी होंदे चंगा पल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह। और दुनिया दा ए वेला संगिया आसा खेड़ा मेला संगिया, दुनिया दा ए वेला संगिया आसा खेड़ा मेला संगिया, खेड़ मुकी ते टकिया पल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह। काफी दी बोलते देखो ना माशाल्लाह, वाह वाह, खेड़ मुकी ते टकिया पल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह। और दुनियादार कमीने देखे जेर परे दे सीने देखे, दुनियादार कमीने देखे जहर भरे दे सीने देखे, कर दे रेंदे छल्ला वल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह, कर दे रेंदे छल्ला वल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह। और जो को जेथा करसी शाजी उसना ली चोल परसी शाजी, वाह वाह वाह, जो को जेथा करसी शाजी उसना ली चोल परसी शाजी, कर पलाजे चाने पल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह। और दुनिया हो गई उत्ता तल्ला अल्लाह अल्लाह ओए अल्लाह। ये कमाल की डायरेक्टर साहब जी हैं जी, उन्होंने मुताबिक जो है जी ये प्रोग्राम का वेला तकरीबन साढ़ा खत्म हो गया, तो असल जो नाजरीन हैं वो इस चीज़ का इंतजार में हूँ कि असं दोबारा तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करा, बड़ी मेहरबानी है इस प्रोग्राम पसंद करने का और इस लाइक करने का। अगर उ फिर तुम गुजारिश कर सकते सा चैनल है क्राइटेरियन टीवी नैटवर्क, इस लाइक भी करो, इस सबसक्राइब भी करो और ये बैल आइकन जो है उस लाजमी क्लिक करो ताकि इस तरह के अच्छे प्रोग्राम अच्छी वीडियो जो तुम तक फिर भी पहुंचे रहो। तो एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया काजी नासिर बख्तियार खान साहब, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इतना टाइम कड़ा ते नाजरीन ने प्रोग्राम पसंद करने का देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।